विकास करेगा वो ही राज करेगा। सांसद ऐसा आना चाहिए जो जनता के बीच बैठे, और बहुत से सांसद यही नहीं माने हमारा सांसद कौन सा है। बेटा में बहुत बढ़िया बीजेपी चल रहा है, बस स्टॉप पे चल रहा है, अब की बात 400 पार। तो न्यूज़ वन इंडिया का चुनावी रथ पहुंच चुका है एटा। एटा जिसके ऐतिहासिक मायने भी हैं, जिसके राजनीतिक मायने भी हैं, और एटा से चूंकि जातीय समीकरण को अगर देखें तो यहाँ पे यादव लोध और शाक्य मिलकर तय करते हैं कि एटा का उम्मीदवार कितना हावी रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और एटा चूंकि कल्याण सिंह की विरासत है, उनकी विरासत को उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एटा का मूड क्या है, एटा के मुद्दे क्या है, वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम घंटाघर पे मौजूद हैं और ये वो घंटाघर है एटा का जहाँ से कई तरह के संदेश जाते हैं। लेकिन हम बाजार में भी जाएंगे, लोगों के बीच भी जाएंगे, गली मोहल्ले में भी जाएंगे और चौपाल पे भी बात करेंगे कि आखिर एटा के मुद्दे क्या हैं और एटा का मूड क्या है। तो चलिए बाजार में निकल पड़ते हैं और बात करते हैं लोगों से कि आखिर लोग एटा में चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं। तो देखिए ये पान की दुकान है और चूंकि चर्चाएं तो चाहे चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, चर्चाएं सब चलती हैं। हमने भी देखा यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं और वो बैठे हैं जो यहाँ की राजनीति को लेकर भी बात करते हैं। लेकिन चल क्या रहा है एटा में, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम आपका, एटा का मूड क्या? यहाँ का मूड एमपी ले आ रहा है, बेकार आदमी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जीत तो वही रहे हैं पहले भी, फिर दोबारा, फिर अभी कह रहे हैं ये मजबूर है हम लोग। हाँ। ये सच बात है क्या है? अब यही जाने हम क्या बताएं। ऐसा है सर कि जो विकास करेगा हाँ। वो ही राज करेगा। तो अभी विकास हो रहा है या नहीं? अभी विकास, इससे अभी विकास नहीं हुआ है। ठीक है, रेलवे लाइन कम से कम 10-15 साल हो गई, लगते 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 रेलवे लाइन अभी तक चालू नहीं हुई एटा कासिम के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए उन्होंने कह दिया कि जो उम्मीदवार हैं वो, उन्होंने कहा कि भैया उन्होंने काम नहीं किया और वो मार्केट में कभी नहीं आए, लोगों के बीच कभी नहीं आए। आप देखिए लोग हैं और कोई कहना चाहता है, कोई बचने की कोशिश करता है कैमरे के आगे, लेकिन हम पूरे बाजार में इस तरीके से घूमेंगे और जानेंगे कि आखिर एटा में जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो क्या कितना दम रखते हैं जीतने का, और जो उनको विपक्ष में चुनौती दे रहे हैं वो कितनी टक्कर दे पा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आइए। और हम कोशिश करेंगे लोगों से ही पूछें कि भैया बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, माहौल क्या है, मुद्दा क्या है और राजनीति में क्या चल रहा है। क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, एटा में क्या चल रहा है? एटा में बढ़िया चल रहा है सब, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सांसद है, सब चीज बढ़िया है। अभी हम पीछे वहाँ पान की दुकान पे गए, तीनों वहाँ पे बाबा वो कह रहे थे भैया बहुत ही, क्या बोले? कुछ नहीं, जैसी जो आ जाएगा वो सबकी आदत एक सी होती है, इसमें कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है इसमें कोई। कह रहे हैं मौजूदा सांसद काम कर रहे हैं, सब सांसद बढ़िया काम हो रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या काम होगा। जो सुरक्षा भी है, हम लोग मस्त हैं खूब खूब। अब GST तो दे देते हैं कि जो नंबर दो का काम करेगा, GST नहीं देगा तो वो तो पकड़ा ही जाएगा। मतलब खुश हैं इस सरकार में, ये बोलने चाह रहे हैं ये? नहीं, आप भी बोल सकते हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, खुश हैं, बोल तो रहे हैं इस सरकार में खुश हैं, इनका कहने का मतलब पूर्ण खुश है, खूब सुरक्षा है, खूब मजा है, राम मंदिर बन गया, खूब घूमते हैं। और रही एटा की सड़कों की बात, अब सड़कें तो बननी चाहिए और लोग गिरते हैं, सरकार का ध्यान जैसे बाबा ने कहा था, योगी बाबा ने, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, मगर अभी तो नहीं हो पाई हैं वो, क्या कारण है ये उनके पास खबर जाइए कि सड़कों का विस्तार हो, सड़कें बढ़िया बने, और टैक्स भी लेते हैं हमसे, सब काम करते हैं, मगर सड़कों का तो ध्यान दें, शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा पे दुनिया भर के इतनी इतनी बुक सेलर होके भी इतनी इतनी महंगी किताबें लगी हुई हैं, जिससे उनका कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है। आपको लगता है शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए और शिक्षा सस्ती होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए, फीस सस्ती होनी चाहिए, जिससे गरीब के बच्चे भी पढ़ें, और जो सब विकास हो, नौकरियां भी मिलें, जिससे कि हम लोग बैंक में जाते हैं तो बिल्कुल ही काम ही नहीं होता है, कि वहाँ स्टाफ की कमी है, अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है, और बैंक वाले भी जो है बड़े लापरवाही से काम करते हैं। दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सस्ती हो, अच्छी हो, गरीब का बच्चा भी बेहतरीन तरीके से शिक्षित हो और उसको शिक्षा मिले, फीस कम हो, एक समान हो। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं और ये एटा के बाजार का रुख है। एटा के लोगों के बीच भी जाएंगे और यहाँ की और क्या समस्या है उनको भी जानेंगे, बाजार का रुख क्या है ये भी, और राजनीति का रुख क्या है ये भी आप तक पहुँचाएंगे। तो चाहे दुकान की चाय की हो, दुकान पान की हो, या फिर दुकान हलवाई की हो, हर चीज़ में कोई ना कोई जायका लगता है, कोई ना कोई वहाँ पे लोग होते हैं,
और यहाँ पे भी हैं, दुकानदार भी हैं, दुकान के मालिक भी हैं, दुकान पे काम करने वाले भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया अभी उनसे बात की है, भाई साहब क्या चल रहा है एटा? एटा में बहुत बढ़िया बीजेपी चल रहा है, बस स्टॉप पे चल रहा है, अब की बार 400 पार। क्यों क्यों क्या उसने काम किया है? अयोध्या जाके देखो, अयोध्या चमन कर दिया उसने ये देखो, और सबके लिए सब कुछ करता है वो। चमका या नहीं? पूरा चमक गया, और क्या लोगे, लाइट फाइट सब बिल्कुल ओके आ रही है, कम नहीं आ रही, पूरी आ रही है पर्याप्त। आपकी बात 400 पार, ये तो बीजेपी का नारा है, बस वही पूरा होगा, वही होगा और कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ दुकानदार भी वही नारा लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का है, कह रहे हैं अब की बार 400 पार होगा, एटा भी चमका, राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए बाजार में हर तरह के लोग हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कोई सब्जी विक्रेता है, कोई फल विक्रेता है, कोई पान बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, सबके अपने अपने कारोबार हैं, सबके अपने अपने व्यवसाय हैं, सबके अपने अपने काम हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी। कैसा चल रहा है सब? यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा है, सही चल रहा है। क्या काम आपका? ये बेकरी का? ब्रेड का काम है, पाव का काम, बर्गर का काम, सभी का काम मेरा। सही चल रहा है? सही चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सांसद जी को ये काम करना चाहिए, यहाँ से एक ट्रेन चलती है, तीन टाइम ट्रेन चले, जैसे कि पब्लिक को आगरा जाता है दिक्कत होती है, एक बार चलती है, जैसे इसको तीन टाइम चलाई है, और ये टूटला जाती है वो तीन टाइम चलाई है, जैसे कि पब्लिक यहाँ की निकले बाहर जाने के लिए, बाहर जाने की सुविधा नहीं मिल पाती है हम लोगों को, आगरा जाती है एक ही बार जा पाती है, जैसे कि सुबह सुबह तीनों टाइम रेल चले। हमारे जी हमारा मेडिकल कॉलेज खुला है, इसमें डॉक्टर नहीं है, जैसे कि अभी आत्म अटैक हार्ड हो जाता है, आगरा ले जाते हैं, यहाँ से डॉक्टर कहते हैं आगरा ले जाइए, हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ भी सभी डॉक्टर उपलब्ध हों, कि आप सभी सुविधा मिले, ऐसा हमको ऐसा सांसद मिलना चाहिए कि पब्लिक की बात सुने। यानी दुकान चलाते चलाते राजनीति भी करने लगे हैं? नहीं नहीं, ये तो बता, मतलब जो एक होना चाहिए, इतनी जागरूकता तो होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, उधर चलते हैं, वहाँ भाई साहब आवाज करने पीछे से, इनके पास आइए जरा, वो भी कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, लेकिन क्या सही कह रहे हैं ये समझते हैं। आप भाई साहब वो बोल रहे थे तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं? राज्य में काम होना चाहिए, और सांसद ऐसा आना चाहिए जो जनता के बीच बैठे, और बहुत से सांसद यही नहीं मालूम हमारा सांसद कौन सा है, हमें आज तक ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, क्या राजनीति है, कुछ तो व्यापार के संग राजनीति में भी आना चाहिए सभी लोगों को। बहुत से लोग घर से वोट डालने नहीं डालते है, उन्हें यही नहीं मालूम वोट की क्या भाषा है मेरी, वो जानते ही नहीं है, और ये होना चाहिए, और एक मत होना चाहिए। जो मोदी ने जो कार्यक्रम किया है, एक देश एक वोट और एक अधिकार, इसका होना चाहिए पालन। लेकिन यार देखो, गुटका थोड़ा कम कर दो तुम भी, ठीक है ना, ये कम कर दो, अधिकार होना चाहिए सबको है, लेकिन ये थोड़ा कम कर दो। चलिए देखिए, लोग अलग अलग राय दे रहे हैं और अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन हम चूंकि मार्केट में हैं, बाजार में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर एटा में क्या माहौल है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।